हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ पोहे की, जो यूपी स्टाइल में हमने बनाया है आलू डाल के। तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत ही आसान है और आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। तो हमने ये सामान लिया है, इसमें मूंगफली, प्याज, धनिया, दो मिर्चें, एक आलू और टमाटर। तो हमने क्या करा था, जो पोहा हमने लिए थे उसको हम धो लेंगे। हम इस तरीके से धोएंगे कि हमारे पोहा ख़राब ना हो। किसी किसी के बिगड़ जाते हैं पोहे, हमारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो हम इसको धो के पानी को हटा देंगे। पानी को हमें तुरंत निकाल देना है ताकि हमारे पोहे बेकार ना हो। और ये पोहा पानी निकाल दिया, अब हमने ऐसे फैला के पोहे को रख देंगे ताकि हमारे पोहे जैसे हैं वैसे बने रहें। फिर हम कढ़ाई अपनी गरम कर लेंगे, जब तक पोहे हमारे रखे हैं। तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल, तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम आलू को सबसे पहले तल के रख लेंगे। तो हम आलू को फ्राई करेंगे इस तरीके से, पतले पतले आलू काटेंगे हम, छोटे छोटे। तो हम आलू तल लेंगे अपने, जिस तरीके से हमने काटे थे तो हम आपको बता रहे हैं। इसे पतले पतले दो पीस करके काटेंगे। तो इस तरीके से हमें तल के इसको रख लेना है अच्छे से। हमें हाई फ्लेम पे तलना है, तो जल्दी तल जाएंगे हमारे आलू और पक भी जाएंगे। ये हमने निकाल लिए तल के। अब जो हमारी मूंगफली रह गई थी, तो हम इस मूंगफली को भी तल के निकाल लेंगे। कच्चा बादाम, ये हमने निकाल लिया, हमें जलाना नहीं है तो हमने निकाल लिया। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। उन दोनों को हमने निकाल लिया तल के। अब हम इसमें जीरा डालेंगे आधी चम्मच, और आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें राई। ये हमने राई डाल दी, जीरा डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम इसको तेल में अच्छे से तड़का लेंगे, गरम कर लेंगे। ये लंबी साइज़ में हमने प्याज काट के रखी थी, तो हम प्याज डालेंगे इसी में और अच्छे से चला लेंगे। हमें प्याज को जलाना नहीं है, हल्के से सौते करना है बस। ये हरी मिर्च हमने काट के रखी थी दो, तो हम इसको काट इसी में डाल देंगे और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। ये टमाटर हैं, जब हमारी प्याज और मिर्च अच्छे से तल जाए तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और इनको गलाने के लिए ये थोड़ा सा हमने नमक डाला है। एक मिनट तक टमाटर को गलने तक हम पकाएंगे अच्छे से। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। ये मटेरियल जो हमने तल के रखा था आलू का और मूंगफली का, तो ये भी इसमें मिला के चला लेंगे अच्छे से। अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा ये मटेरियल एक साथ मिल जाए। हमने थोड़ा सा नमक इसलिए डाला था ताकि मटेरियल में हमारे नमक रहे। अब हम इसमें जो पोहा रखे थे हमारे, वो हम इसमें डाल देंगे। सारे पोहे डाल के अच्छे से मिला लेंगे। हमें साइड से चम्मच डाल के सब मिलाना है, चम्मच डाल के मिलाना है ताकि हमारे पोहा ख़राब ना हो, बिथला ना हो। तो हम अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारे पोहे जैसे हैं वैसे रहें, खुले खुले। अच्छे से मिलाएंगे धीरे धीरे, सारा मटेरियल हो जाए। तो अब हमें पोहे में भी नमक डालना है, तो थोड़ा सा हम नमक और डालेंगे आधी चम्मच, ताकि हमारे पोहे में भी नमक रहे और मटेरियल में भी नमक रहे। तो हम इसको फिर चला लेंगे। हमें स्लो आंच पे पकाना है इसको, लो फ्लेम पे। ये हमारे हमने 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से पकाया है। ये धनिया हमने धो के रखा था, तो हम इसमें डाल देंगे अब काट के। अब हम चला लेंगे इसको, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम लोई फ्लेम पे। गैस को हमने बंद कर दिया, हमारे पोहे पक चुके हैं।
2 मिनट तक हम ढक के रखेंगे ताकि हमारे पोहे बहुत ही सॉफ्ट बन कर आएँ और नरम। देखिए कितने टेस्टी और लाजवाब पोहे बन के आए हैं हमारे। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से बनाने का। ये देखिए हमारे पोहे, तो इसको हम गार्निश कर देंगे हरी धनिया पत्ती से और बारीक कटे हुए प्याज से। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।